हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले अपने लेक्चर नंबर 1 में एक्सरसाइज 2.1 पॉलीनोमियल कर चुके हैं, जहां पे कि ग्राफ से बता रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, अगर ग्राफ लीनियर पॉलीनोमियल है तो वो इंटरसेक्ट करेगा एक्सिस को वन टाइम, तो क्या होगा, जीरो पॉलीनोमियल वन। अगर ग्राफ पैराबोला है तो यहाँ पे वो टू टाइम कट करेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका कितने जीरोस, टू जीरोस, मीन्स एक्स को जितने टाइम पे कट करेगा वो उसके क्या होंगे, जीरो होंगे, तो कितने यहाँ पे टू जीरो होंगे। ठीक है, तो मीन्स अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो उसके होंगे टू जीरोस ग्राफ का पैराबोला। क्लियर, अब इसके बाद में चलते हैं अपन एक्सरसाइज 2.2 पे। 2.2 में चैप्टर 2 पॉलीनोमियल है, उसमें एक्सरसाइज 2.2 में दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल। रिलेशन फाइंड करना है किसके बीच में, जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल। क्लियर, अ लीनियर पॉलीनोमियल हैविंग ओनली वन जीरो, अगर लीनियर पॉलीनोमियल है तो उसमें कितने जीरोस होंगे, वन। मींस लीनियर पॉलीनोमियल का फिगर राइट ax + b और इसमें जीरोस x मींस - b / a, तो यहां पे कितना होगा, वन पॉलीनोमियल होगा। क्लियर, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हैविंग टू जीरोस, कितने जीरोस होंगे, टू। मींस अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है x square + bx + c, तो यहां पे इसमें टू इसके जीरो होंगे। क्लियर, नाउ बात कर रहे थे आप क्यूबिक पॉलीनोमियल है थ्री जीरो, अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल है तो क्यूबिक पॉलीनोमियल का पावर डिग्री 3 ax + bx square + cx + d, दैट इज अ क्यूबिक पॉलीनोमियल हैविंग थ्री जीरो। क्लियर, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपके पास ax square plus bx plus c और इसके टू जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड जीरोस के बीच में रिलेशन करो, तो रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, मींस तो दोनों जीरोस दिए हुए हैं अल्फा प्लस बीटा का सम किसके इक्वल आएगा, माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, और इसको भी कितना ही, मींस अगर यहां पे देखें अपन इसके अकॉर्डिंग, तो b इसका कोएफिशिएंट है आपका x का। ठीक है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x x अपॉन a इसका कोएफिशिएंट है x स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा इसको स्टो होगा c अपॉन a, c अपॉन a मींस c इज क्या चीज है आपके पास, ओरिजिन टर्म, और a क्या चीज है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर, तो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, अगर अल्फा बीटा और गामा जो है क्यूबिक पॉलीनोमियल के जीरोस हैं, क्यूबिक पॉलीनोमियल आपके पास x स्क्वायर + bx स्क्वायर + cx + d है, तो उस केस में सम ऑफ जीरोस, मतलब जो जीरोस है उनका सम है अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल टू b / a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जीरोस मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्लियर, ये तो था अपने को जब अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ हो और अपन को निकालना हो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्लियर, नाउ उसके बाद बात करते हैं टू ऑब्टेन,
टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. पॉलीनोमियल इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन. सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन. तो अपन क्या कर सकते हैं यहां से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड कर सकते हैं. फॉर्मूला होगा आपका एफ एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्लियर? तो वेयर k इज नॉन जीरो रियल नंबर. k क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर है. क्लियर? तो अगर अपने को सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का गिवन हो तो वी कैन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. तो अपन चलते हैं एक्सरसाइज 2.2. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड verify relationship between zeros and the coefficient. X square minus 2x minus 8 x plus 4, x minus 2, 0 compare कर रहे हैं, तो x की value minus 4 and plus 2 means alpha minus 4, eta की value 2. Verify the relations between. Verify means verify करेंगे अपन तो alpha plus beta minus b upon a. alpha plus beta, alpha आपके पास 4 plus minus 4 plus 2 minus b upon a means minus coefficient of x upon coefficient of x square.
माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस 1 माइनस 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 कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस फोर एक्स एक्स प्लस फोर माइनस टू तो प्लस फोर माइनस टू या फिर प्लस फोर माइनस टू मीन्स प्लस का टू और माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया आपका प्लस का टू इसको प्लस का टू हेंस वेरीफाई क्लियर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है लेते हैं ये थर्ड है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स नौ इसको अपन एडजस्ट किया सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री मिडिल टर्म इज पुटिंग सिक्स का एटीन माइनस एटीन एक्स स्क्वायर तो सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का नाइन माइनस का नाइन एक्स प्लस का टू एक्स माइनस का थ्री अब कॉमन लिया थ्री एक्स टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन कॉमन लिया टू एक्स माइनस थ्री टू एक्स माइनस थ्री कॉमन थ्री एक्स प्लस वन नौ स्पष्ट जीरो एक्स की वैल्यू हो गई थ्री अपॉन टू और माइनस वन अपॉन थ्री रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा इज थ्री अपॉन टू प्लस माइनस वन अपॉन थ्री माइनस बी अपॉन ए माइनस बी मतलब यहाँ पे आपके माइनस माइनस सेवन और अपॉन सिक्स दोनों एलसीएम सिक्स नाइन टू माइनस सेवन अपॉन सिक्स सेवन अपॉन सिक्स इज इक्वल टू सेवन अपॉन सिक्स एंड वेरीफाई क्लियर। नाउ इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ टी स्क्वायर माइनस फिफ्टी Thank you.
टी स्क्वायर माइनस 15 वी कैन राइट टी स्क्वायर माइनस 0 डॉट टी माइनस 15 यस टी स्क्वायर माइनस 15 तो 0 इक्वल मींस टी प्लस 15 t minus 15 now the root 15 x is equal to minus 15 or root plus 15 means alpha minus root 15 beta plus root 15 now relationship between means alpha plus beta is equal to minus b upon a means minus 15 plus 15 is equal to minus 0 upon t means 1 means you cut the 0 0 upon 1 means you have to 0 so 0 is equal to 0 hence verify यस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट अभी दिया हुआ है फाइंड द क्वांटिटी पॉलीनोमियल ईच या विद गिवन नंबर इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन टू फाइंड क्वांटिटी पॉलीनोमियल सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है फर्स्ट में अल्फा प्लस बीटा वन अपॉन फोर अल्फा रूट बीटा माइनस वन to obtain quadratic polynomial formula k x square minus sum of zeros plus multiply x plus product of zeros x square minus sum of zeros 1 upon 4 multiply x plus product of zeros minus the 1 x square minus x upon 4 minus 1 only 4x square minus x minus 4 means fx 1 upon 4 4x square minus x minus 4 where k is equal to 1 upon 4
एम क्लियर ना? उसके बाद फोर्थ फर्स्ट का वन वन को वन उसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है वन को वन यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल फॉर्मेशन करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू वन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बने अल्फा डॉट बीटा भी हमने दिया हुआ है तो इस केस में टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्मूला है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन वेर के ठीक है आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट है नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 में और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं जो आपको करने हैं होमवर्क है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड फोर्थ सिक्स क्वेश्चन नंबर टू सेकेंड फिफ्थ सिक्स थैंक्स।